प्रजेंटेशन एंटिटीज दे स्टोर द डेटा दैट यू विल यूज टू मैनेज दूज इन योर प्रजेंटेशन लेर तो वो उस डेटे को स्टोर करती हैं प्रजेंटेशन एंटिटीज़ को तो ये जो प्रजेंटेशन एंटिटीज जो हैं दे इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दैट दे आर नाट ऑलवेज नेसेसरी खाम खा आप इसे बीच में घुसेड़ेंगे तो ओवरहेड्स उसके बढ़ जाएंगे इसके फायदे हैं यकीन है लेकिन नुकसान भी इसके साथ चल रहे सो यू शुड कंसिडर यूजिंग प्रजेंटेशन एंट्रीज ओनली इफ द डेटा सेट्स आर सफिशेंटली लार्ज और कॉम्प्लेक्स दैट दे मस्ट बी स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द यू आई कंट्रोल्स इज अवॉड यूजिंग प्रजेंटेशन एंटिटीज एंड यू शुड डिज़ाइन और चूज अप्रोप्रियट प्रजेंटेशन एंटिटीज दैट यू कैन ईजीली बाइंड टू द यू आई आई मीन दिस इज़ इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस जिसको हम इस सिलसिले में रिकमेंड करेंगे वो ये है कि यू शुड डिटर्मिन इफ यू नीड प्रजेंटेशन एंडिटीज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग Cash hai root heavy and you typically might need presentation entities if the data or data format to be displayed is specific to the presentation layer. Specific to the presentation layer. This is important consideration. Otherwise, don't use it. Consider the serialization requirements for your. प्रजेंटेशन एंट्रीज इफ दे आर टू बी पास अक्रॉस द नेटवर्क और स्टोर ऑन द डेस्क प्रजेंटेशन एंट्रीज की सीरियलाइजेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन हो सकती है जो कि आपको अगर अक्रॉस द नेटवर्क उसको आपको भेजने की या पास करने की जरूरत होती कंसिडर

and finally you should consider using presentation entities to store state related to the ui state related to the ui not to the business and if you want to use the state to help your application recover from a crash make sure that after recovery that the user interface is in a consistent स्टेट तो ये प्रेजेंटेशन लेयर की कुछ चीज़ें हैं आमतौर पे बगैर ज़रूरत के इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है और उससे फ़ायदा होने के बजाय कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है फ़ायदा को ख़ास होता नहीं है और फिर जो है एप्लीकेशन डिफिकल्ट हो जाती है टू तो मैनेज एंड मेंटेन।